पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रायबरेली दौरे पर सरीनीत विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को किया संबोधित। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील। समाजवादी पार्टी सरकार बनी तो बनेगा खेल स्टेडियम। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। डबल इंजन की सरकार में दोगुना हुआ भ्रष्टाचार। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। संवाददाता संदीप कुमार फिजा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का रायबरेली जनपद के लालगंज में दौरा। दौरे पर अखिलेश यादव सरेनी विधानसभा क्षेत्र के लालगंज में एक जनसभा को संबोधित किए। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील किए। लालगंज के बैसवारा इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में हजारों की संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, बीएसपी के लोग बाबा साहब के रास्ते से भटक गए हैं। कांग्रेस बीएसपी की सरकार बननी नहीं, इनके चक्कर में मत आना। किसी भी अन्य दल का इस बार खाता खुलने मत देना। रायबरेली में इस बार साइकिल सबसे आगे चल रही है। भाजपा सरकार जो राशन दे रही है वो मार्च तक ही मिलेगा। दिल्ली के बजट में इसके लिए पैसे नहीं है। समाजवादी पार्टी जब सरकार में आएगी तो जब तक सरकार रहेगी गरीबों को राशन मिलता रहेगा, वो भी सरसों के तेल और घी वाला। भाजपा राज में युवाओं के 5 साल इंतजार में कट गए। नौजवानों को कोई रोजगार नौकरी नहीं मिली। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो TET, BED, BPED की भर्ती, शिक्षा मित्र सबको नौकरी देंगे। सरकार बनेगी तो लालगंज खेल स्टेडियम में बनाया जाएगा, वादा किया गया। साथ ही 69,000 नई भर्तियों का भी वादा किया गया। ऊपर हम बात कर रहे हैं रायबरेली जनपद के सरेनी विधानसभा क्षेत्र की। तो आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आगमन हुआ था यहाँ बैसवारा इंटर कॉलेज लालगंज में। जो अपने प्रत्याशी हैं उनके अंदर एक जोश और साइकिल की स्पीड बढ़ाने का काम करने को लेकर आए थे। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि यहाँ पर जो भीड़ आई थी रायबरेली जनपद के सरेनी विधानसभा में लालगंज बैसवारा इंटर कॉलेज में पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आगमन हुआ। वहीं हम लालगंज चेयरमैन रामबाबू गुप्ता से इस कार्यक्रम की जानकारी को लेकर कितनी भीड़ और इस बार पूर्व मुख्यमंत्री के आने के बाद साइकिल कितनी स्पीड में चलेगी। साइकिल की स्पीड 2 गुनी से 4 गुनी हो गई है। अब साइकिल रुकने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को साइकिल की सरकार बन रही, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा कितनी भीड़ रही होगी यहाँ पर? यहाँ पर करीब 10 से 12 हज़ार की भीड़ थी। 10 से 12 हज़ार तो यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री के आने के बाद इस बार साइकिल की स्पीड बढ़ जाएगी या? साइकिल की स्पीड 4 गुनी हो गई है। 4 गुनी हो गई। और इस बार मुख्यमंत्री यहाँ जब आए थे पूर्व, क्या वादा करके गए, क्या यहाँ का उनका? उन्होंने पीछे भी जो वादे किए थे सदैव पूरे किए हैं। जी जी। और आज भी उन्होंने जो वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। बहुत खुशी महसूस हो रही है। कुछ बदलाव होगा इस बार? बदलाव है ही होगा। सरकार बदलाव है ही बदलाव पूरा बदलाव बिल्कुल होगा। पूरा पूरा होगा। पूरा बदलाव होगा। आप लोग काय बोल रहे हैं? ये जन सैलाब ने, क्रांतिकारी साथियों ने मुझे भी विधायक बनाया था, आपको याद होगा। धन्यवाद।